class. So we are doing the chapter gravitation, and some of the topics already has been done in the previous lectures, like what is gravitation, gravitational force of earth, and Newton's law of gravitation. Okay, so moving further, today we are doing the topic that is motion of body under gravity. Motion of body under gravity, जिसको हम बोलते हैं free fall. Motion of body under gravity. What is gravity? Gravity is attraction force by the earth. Earth किसी भी body को अपनी तरफ attract करने के लिए जो force लगाती है, that is called gravity. हम उसको gravity कहते हैं. तो अब free fall कब कहा जाता है? कि when motion of body towards earth, motion of body towards earth only under the effect of gravity. मतलब अगर एक बॉडी अर्थ की तरफ नीचे की तरफ गिर रही है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगे, वो लगे ग्रेविटी का फोर्स. जो अर्थ फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगे और कोई भी फोर्स उसके ऊपर ना लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फ्री फॉल. ये मार्कर है मेरे पास. मार्कर को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही नीचे जा रहे हो, ऊपर किसी चीज़ से बंधा नहीं हुआ. मेरे छोड़ते ही वो कहाँ गया? नीचे. सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स मतलब अर्थ की ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे गया, तो इस केस में इसको क्या बोला जाएगा? फ्री फॉल. क्या बोलेंगे हम इसको? फ्री फॉल. ओके, आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल वी आर डूइंग द कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कॉन्सेप्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी का क्या एक्सेलरेशन है? ओके, सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कैसे आती है. सबसे पहले किसी भी बॉडी को अगर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने से उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी. वेलोसिटी चेंजेस और फिर उस बॉडी में क्या आएगी? एक्सेलरेशन. फोर्स लगेगी किसी बॉडी के ऊपर, फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से बॉडी में क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन आएगी. इट मीन्स अगर आप किसी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगनी जरूरी है. बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आ सकती, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आ सकती. तो अभी हमने जो फ्री फॉल पढ़ा था, फ्री फॉल में क्या था? ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है इस मार्कर के ऊपर, तो इसका मतलब इस मार्कर के ऊपर, पेन के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रही है. और जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन. इसका मतलब जो भी बॉडी फ्री फॉल में नीचे गिर रही है अर्थ की तरफ, उसमें भी एक एक्सेलरेशन आएगी. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम यहाँ क्या क्लियर करते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी फ्री फॉल नीचे गिर रही है उसमें जो एक्सेलरेशन आई, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब फ्री फॉल में बॉडी जो नीचे गिर रही है उसमें उस टाइम जो एक्सेलरेशन आई ग्रेविटी फोर्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल जी. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का जो सिंबल है दैट इज स्मॉल जी. और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो एक्सेलरेशन की होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की अगर डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ये एक अर्थ है, अर्थ का सेंटर ओ, अर्थ का मास जो है वो एम है, अर्थ की रेडियस आर है, अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी पड़ी है जिसका मास एम है. अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या लगता है? दैट इज एफ जी, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर. फर्स्ट बॉडी का मास सेकेंड बॉडी का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी उन दोनों बॉडीज के बीच में. मास बॉडी का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर,
यहाँ पे जो कैपिटल एम है दैट इज मास ऑफ अर्थ, ओके, और जो स्मॉल एम है दैट इज मास ऑफ बॉडी, और आर क्या है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर बॉडी अर्थ के सरफेस पे पड़ी है तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस तो रेडियस ही होता है ना, इसलिए उसको रेडियस को ही डिस्टेंस मेजर करती है। नाउ अगर हम बात करें फोर्स का, जो फॉर्मूला होता है जनरली फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड जो हमने चैप्टर किया उसमें आया है ये मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर अपने को ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, मतलब ग्रेविटी फोर्स चाहिए, फोर्स अगर ग्रेविटी होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर फोर्स भी ग्रेविटी लगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स एफ मास और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को हम जी लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर वन थी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो हम फ्रॉम वन एंड टू अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में एफ है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दो, दैट इज एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ओके, लेफ्ट हैंड से इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, जी इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आ गया, जी एम बाई में आर स्क्वायर, स्मॉल जी इज एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ प्लैनेट, अर्थ का निकालना तो अर्थ का, किसी और प्लैनेट का निकालना तो उसका, आर उसी प्लैनेट की रेडियस। इट मीन दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितनी। नाउ कॉन्सेप्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर आपने अर्थ के सरफेस पे निकालनी है तो यहाँ एम क्या लिया जाएगा, दैट इज मास ऑफ अर्थ। अगर आपने अर्थ के सरफेस पे निकालनी है तो मास क्या, एम क्या लेना है, मास ऑफ अर्थ जो होता है 6 × 10^24 kg, 6 × 10^24 kg। आर क्या बनेगा, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस पे निकालने हैं तो अर्थ की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, 6.4 × 10^6 meter, 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। एंड व्हाट इज जी, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, उस वैल्यू इज 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। अगर हम इसकी वैल्यूज यहाँ रखें, 6.67 × 10^-11 मास दैट इज 6 × 10^24 बाय में आर का स्क्वायर, 6.4 × 10^6 का स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 9.8 m/s². इट मींस अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज 9.8 m/s² होती है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यही एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हम मून के सरफेस पे निकालना चाहें तो यहाँ पे मास मून का हो जाएगा और रेडियस मून की हो जाएगी। कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 1.63 m/s². मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अगर आपने निकालनी है तो वो कैलकुलेट की हुई है 1.63 m/s². तो अगर हम इनको रेशियो करें, जी एम बाई जी ई मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मून 1.63 डिवाइड बाय 9.8, आंसर आ रहा राउंड ऑफ करके 1/6। इसका क्या मतलब है कि जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई, जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई। इट मीन्स मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 1/6 टाइम होती है जो अर्थ के सरफेस पे होती है, मतलब अर्थ के सरफेस से 6 गुना तो कम ही होती है, मतलब 1/6 तो नहीं, 6 गुना तो कम ही होती है जितनी भी है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो ये है
कि अगर अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू बात करें या सेंटर, ये इक्वेटर ऑफ अर्थ कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ अर्थ, और ये पोल ऑफ अर्थ होता है, वो इक्वेटर ऑफ अर्थ और अपर पोल ऑफ अर्थ। अर्थ के पोल पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और जो मैक्सिमम होती है अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और वो मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं होती। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो जी डिक्रीज होगा, जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा, डिक्रीज। अगर नीचे की तरफ आते हो तो भी जी क्या होगा, डिक्रीज। अर्थ के सेंटर पे पहुंचते हो तो जी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब मिनिमम तो होती है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम जो होती है वो सरफेस पे होती है, पोल पे जिसको हम कहते हैं। सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज, सरफेस से अगर नीचे की तरफ आओगे तो भी डिक्रीज ही होती है। ओके, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस वॉज द टूडेज कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। प्रिपेयर नोट्स, इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डू द सम ऑफ द लेफ्ट टॉपिक, एक आधा टॉपिक इसका रहता है, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।